मस्त होके मस्तियों में रात भर झूम ले, टेंशन को मार के जिंदगी को चूम ले। मस्त होके मस्तियों में रात भर झूम ले, टेंशन को मार के जिंदगी को चूम ले। वो कैसे जिएगा जो नहीं पिएगा, वो कैसे जिएगा जो नहीं पिएगा, उसका तो साला करम फूटेला। आयो छोड़ी मारे गुलाटी, पैक लड़ा लोको है श्याम दे हाटी। ए श्याम, अरे कवि जी भी बैठे हैं। वाह रे ओम भाई वाह, चेस। आँखों से पी ले तू, जी भर के जी ले तू, जाम है छलका छलका। दिल की कड़ाही में डब गाले चाहत को, डाल नमक हल्का हल्का। मारे गुलाटी दिल हो चाहे जो भी दिल, मारे गुलाटी दिल हो चाहे जो भी दिल, बंदर की आदत सारा कब छूटेला। आयो छौड़ी हमरा पसंद है, लेकिन कहाँ से पियेंगे, बिहार में तो दारू बंद है। आए है, है, है। बाबा आए, बिहार में दारू बंद है? हाँ हाँ, यहाँ मिल रहा है ना, बैठ के चुपचाप पीजिए। अच्छा, यहाँ ओपन है? हाँ एकदम ओपन है। ओए हे हे हे, भाई वाह, चेस। मैडम, यहाँ पुलिस का प्रॉब्लम नहीं ना होगा? प्रॉब्लम्स को अपने कूड़ा बना के हम डस्टबिन में फेंकेंगे। चाहिए आजादी बॉस, राजी ना राजी बॉस, चाहिए आजादी बॉस, राजी ना राजी बॉस, बंदिश में रह के तदम घुटेला। बस कर रहे ना, कितना पी लूं? देखा सब लोग जा चुकल बा, खाली कुछ बदमाश लोग यहाँ बा चल बा। चले यहाँ से ना, हम क्यों और ही पिए क्या? वेटर, अरे देखा बहुत देर हो गई बा। अभी कहाँ, अभी तो रात जवान बा, द नाइट इज स्टिल यंग। वैसे ना, अरे छोड़ो ना, हमके पिए के बा। चलो ए, तोरा का प्रॉब्लम बा? जाए देख रहा के अच्छा खासा मस्ती करतिया, आ गई ला तू बीच में टीवी एड के तरह। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। चलो पियल जाओ।
जो जाके अपन काम कर। यह हमार काम बा। अच्छा हमार मेहरारू और हमार गर्लफ्रेंड के बीच में का कनेक्शन बा ई जाने खातिर हमनी के चले के पड़ी फ्लैशबैक। जब हमार मेहरारू अंजलि हमके पहला बेर मिलल रहली। अरे यार उ लइकिया तो हमरे और ताकतिया। हाँ साले सब लइकिया तोरे के ताकेली सा। अब कहो कि तोरा के देख के मुस्कुरातिया। हाँ हाँ मुस्कुरातिया। अच्छा अब कबे की तोरा लगे चल के आवतिया। हाँ हाँ आवतिया। तब तोरा से आके बतीबो करी। हाय करण। अरे ये करण ना ये तो हरीशा। ओह गॉड ये कितना हैंडसम बा। हम अंजलि मिसेस सिंह के बेटे। अच्छा तो बैठी ना। रहुआ का बहनी हाँ? हमके लिए तो 28 साल हो गए। तो रहुआ हमरा बारे में का जानल चाहता नी? सब कुछ। अंजलि हम हैं करण, करण सिंह राजपूत, दीनानाथ जी के लड़का। तो रहुआ के बानी? आप हैं मशहूर गायक निरहुआ। हमार नाम दिनेश लाल यादव है। रहुआ हमके बतौनी ना? तू पूछबे ना केलो। माफ करी हम आज तक राउर कौनो गाना ना सुननी। कौनो बात ना अब सुना दे। अच्छा वो सब छोड़ी ई कैसन बा? अब करण इनसे मिला ये हुए हमार बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड तू तो एकर नाम भी ना जानत रहलू। अरे अब इतना सारा बॉयफ्रेंड बाड़े केकर केकर नाम याद रखी। अच्छा बाय। और का मंगाई तो रखा दे? कुछ ना बस हमार पेट भर गए। हाँ ओकर चेहरा देखे लायक रहे। तू एकदम पागल हो। अच्छा अब हमके भी लेट होता हम चलत आनी। कहाँ? घर है और कहाँ का भाई? कल फिर आइबू एजे 7 बजे पक्का आई। बाय बाय बाय। और फिर अगली शाम सात से आठ बजे आठ से नौ नौ से दस बजे और दस से ग्यारह बारह पर अंजलि ना आई।
अतना मूड का है ऑफ, मतलब अतना गंभीर का है बड़ा हो। अरे वो लड़की चल गई तो चल गई, वो ना तो कौनो और सही, यहाँ लड़कियन के कमी बा। अरे यार कौनो मुसीबत में भी तो हो सकेले, कहले रहे आवे कि ना आइल, साला नंबर भी ना ले पेनी। हमरा तो बुझाता कि तहरा के ओकरा से प्यार हो गई बा, इलू इलू टाइप। इंसानियत नाम के भी कोनो चीज होला। अरे के बड़ा तानी लो, हमके माफी दे दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। एक मिनट हाँ, हमके माफी दे दो, हमसे बड़ी केकरा के बुलोले बनी का है सब। अरे हमरो का पता बा, कहां से आइल दिया? भूल हो गई जी, बड़ी भूल हो गई। रुकाई सबके, हम कैसे रोकी एकरा के? सब तू लोग क्या हुआ, का चाहिए धोनी के? माफी। माफी? ये अंजलि जी के म्यूजिकल माफी नामा है, काल रेस्टोरेंट में ना आई रही वही खाती। नया तरीका में माफी मांगे। अगर माफी नामा ना मिलल तो यही तरह गाना चलत रही। अच्छा ये? अरे भाई माफी दे देनी भाई, माफी मांगे के ऐसन तरीका जीवन में पहली बार देखनी हम। ये हमार स्टाइल है। तोहरा आँखिया के स्टाइल तोहरों से खतरनाक बा। कैसन स्टाइल? इजहार करे के स्टाइल। अखियों से हो खेलागल इजहार धीरे धीरे, अखियों से हो खेलागल इजहार धीरे धीरे। मुस्कान चल के दिल से होठ पे आके बिखरल, जियरा में जागे लागल अब प्यार धीरे धीरे, जियरा में जागे लागल अब प्यार धीरे धीरे। जन्म निभाइब क्रियाए खैल बानी, धड़कन सुनावे सरगम चेहरा चमक रहल बा, धड़कन सुनावे सरगम चेहरा चमक रहल बा। जब से भइल मोहब्बत चटकार धीरे धीरे, अखियां से हो खेलागल इजहार धीरे धीरे। हम
हलचल छेड़ला कुछ तराना भूलवा के रस पिएला भवरा भयो दीवाना जवानी मारे हिलोरा रानी दोनों तरफ जवानी जिंदगी के मैया होखी अब पार धीरे धीरे जिंदगी के मैया होखी अब पार धीरे धीरे घरे आयल बानी और तू बातें नहीं के करत का बात करी काल 10 कॉल के लिए रनित होके पर नो रिप्लाई 10 ना पूरा 32 मिस्ड कॉल रहे देखा मजाक मत करा ई बताओ कल कहां रहलू तू हमके माफ कर दो हमके पता ना का हो जाला एक्चुअली हमरा के ना भूले के बीमारी बा जब भी ज्यादा टेंशन होला हम सब कुछ भूला जानी काले भी ऐसने भइल रहे अरे तो डॉक्टर के दिखावे के चाहिए हमके डॉक्टर डॉक्टर नहीं के पसंद और माई कहेली कि भूले की बीमारी हमरा पूरा परिवार के बा उनकरो रहे लेकिन शादी के बाद वो एकदम से ठीक हो गई ली अरे तो तू हूँ शादी करला हम केकरा से वो रेस्टोरेंट वाला लड़का से जोन तो के देखे आई रहे करला ओकरा से ओकरा से ना करबू तो हमरा से कर ले बेटा शादी तो खूब धूमधाम से करब अरे हमारे इकलौती बिटिया जेहा रवो के माई बाबूजी कहां बाड़े बुलाई प्लानिंग करे के पड़ी ना माई इनकर माई बाबूजी दुनिया में नहीं खन बेटा बाप के तो पता नहीं खे बाकी आज से हम तो हर माई कहाँ कोने जमाने में जिया था रे लोगन अरे गईलू जमाना जब घरे के बड़ बुजुर्ग आके शादी ब्याह तय करत रहे मॉडर्न बना हमरा जैसन
और बहुत ही सीधा साधा ढंग से हमार अंजलि के शादी भई और नए जीवन के शुरुआत। बाप काम पर नहीं खे जाए के जाए के तो बाहो लेकिन श्रीमान जी हनीमून खत्म हो चुकल बा और घर बसावे के टाइम आ चुकल बा, तो ये सब छोड़ी और अच्छा बच्चा की तरह काम पर लग जाई। और सुनी आज हम माई के ले आवे के एयरपोर्ट जाता नहीं, याद बना कि वो कुछ दिन खातिर घरे आवता नहीं। तू मत बुला जिया। और सुनी अगला साल तक हमके एगो बच्चा भी चाहिए। अगला साल तक बच्चा चाहिए तो अभी से तैयारी करे के पड़ी ना। आलोक भैया बनाएंगे तो फिल्म तो अच्छी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल भाई हीरोइन के बारे में क्या सोचे? लड़की नहीं होनी चाहिए, मॉडल टाइप, सेक्सी, जैसे कि वो लड़की। वो लड़की के दिखला के बाद हमार दिल दहल गई, कहीं ये हमार मेहरारू तो नहीं है यहाँ और ये हालत में। हम जाना था नहीं इनके, आवता नहीं। हमार कदम आगे बढ़े के तैयार ना रहे, दिल जोर जोर से धड़के लागल और यह कहत रहे कि भगवान करे ये हमार मेहरारू ना होके। अंजलि, अरे यार हमार नाम अंजलि ना, हमार नाम एंजल है। ए सुपरस्टार निरहुआ सर, रहुआ खातिर हम अंजलि का, अंजलि, एंजल, अंजू, आम्रपाली कुछ भी बने खाती तैयार बनी। सर आज हमार बहुत लकी डे है, काहे कि हमके एक ना दुदु को निरहुआ दिखाई दे रहल बा। वैसे सर हम रोज ना पियेनी, खाली कबो कबो। आज के दिन हमार बहुत खराब रहे, एगो ऑडिशन में बड़ा मेहनत से सिलेक्ट भईनी और ये भूले के बीमारी की वजह से शूट पे जाए के भुला गई नी। और सर वो लोग केहू दूसर लड़की के साथ शूटिंग कर लेलस। वैसे हम रोज ना पियेनी, बस कबो कबो, काहे की बच्चन साफ कहलन आदमी के दारू ना पिएगे चाहिए, दारू पियला से लीवर खराब हो जाला। और हम तो वादा कहले बानी मरे के बाद अपन लीवर, किडनी, दिल, फेफड़ा, आँख सब कुछ दान में दे दे। ओ शराब ना पिएगे चाहिए सर, एगो रोल दिवा दी ना प्लीज, बस एगो छोटा सा रोल भी मिल जाए तो। इनका हालत देखा था रू, इस सब का। अच्छा अब समझ ली कि हमरा के घरे लेवे कहीं नहीं आए, एंजल बन गल हुई है। मतलब? अरे बेटा जी अंजलि कबो कबो एंजल बन जाले। अरे बेटा अंजलि जब एंजल बने नी ना तो वो ऐसा नाटक अक्सर करत रहनी जैसे उनकरा के भी कुछ पता नहीं किए कि वो का कर रहल बानी। अरे यहाँ तक कि एक कमरा से दूसरे कमरा में चल जाई है, अपन कुल रूप रंग बदल ली है और अपना के पूरा तरीका से अंजलि से आजाद कह के एंजल बन जाई है। और एंजल बनला के बाद वो अपना के ऐसा समझे नी जैसे वो कबो अंजलि रहबे ना कहनी। तो बेटा सुना कबो कबो ये सब नखरा पसारे ले। ओ बेरा तो हमरों के नखे चिन्हे ले, हमरा के मकान मालकिन और अपना के किरायेदार समझे लगे ले। बाकी चिंता मत करी सब ठीक हो जाए।
दिमाग के डॉक्टर के देखो नहीं उनके। हे भगवान, रुआ के हमार बेटी पागल लगतिया जो नकरा के हम दिमाग के डॉक्टर के दिखाई। अरे कहनी ना क्यों कबो कबो ऐसे नौटंकी पसा रहे ले। कुछ नहीं के भाईल, ठीक हो जाए, चिंता मत करी। अरे तो आप हमके पहले काहे ना बतौनी। अरे तो कौन कैंसर जैसन बीमारी जन बतावल जरूरी रहला। ठीक हो जाए, चिंता मत करी, ठीक हो जाए। अब हमके समझ में आयल कि कैसे वादा करके उना आवत रहली। हमरा के ना भूले के बीमारी बा, जब भी ज्यादा टेंशन होला हम सब कुछ भूला जानी। काले भी ऐसने भइल रहे। और जब हम पूछत रहनी तो भूल जाए के बहाना करत रहली। ना बेटा, हमार बिटिया झूठी नखे, अरे ओकरा सच्ची में भूले के बीमारी बा। हो सकता कहें कि जब अंजलि हमके पहला बार मिलल रहली तो ना पहचान ली। तो रहुआ के बानी आप हैं मशहूर गायक निरहुआ। हमार नाम दिनेश लाल यादव, पर जब आज एंजल बन गई है तो पहचान गई। सुपरस्टार निरहुआ। अंजलि सिर्फ हिंदी फिल्म देखेली और शायद एंजल भोजपुरी भी। हमार मन ही माने के तैयार ना रहे कि हमार मेहरारू अंजलि कोनो नाटक करेली। माता जी, आज से आपके हिजे रह के पड़ी। अब कुछ ना, हम अंजलि के एक पल अकेला नहीं छोड़ सकत। प्लीज यही से अगले ही दिन हम अपना मेहरारू के डॉक्टर के पास लेके गईनी बहाना से। अंजलि ध्यान से देखा और डॉक्टर सम्मोहन के जरिए सच जाने की कोशिश कईले। ई अंजल तोरा भीतर कैसे आई? याद करा अंजलि। और जोन सच सामने आई उ जनला के बाद हमरे तरह आप लोग भी दहल जाइबा। अंजल के का चाहिए? अंजलि, ई हमें तोहर नया मास्टर हां, आज से तोरा के ई ट्यूशन पढ़ाई है। अरे ई हमारे स्टूडेंट ना, ई तो हमार भांजी ही है भांजी। अरे उरो तो हमार बहिन है। अरे अरे आ एकरा के पढ़ावल तो हमार पहला कर्तव्य बा जी। आ एकरा के ना पढ़ाई तो केकरा के पढ़ाई जी? ओ मास्टर बहुत गंदा आदमी रहे, रोज हमरा साथे गलत हरकत करत रहे। हम बहुत डरा गइल रहनी, बहुत घबरा गइल रहनी। हमरा में ना तो माई के बतावे के हिम्मत रहे और ना ही ओ पापी मास्टर के रोके के हिम्मत। बस ये बात के फायदा उठा के पढ़ाई के बहाने वो रोज ये घिनौना हरकत करते रहे। तब हम अपना अंदर एंजल के पैदा कर लेनी जे अंजलि से एकदम अलग है। वो अंजलि जैसन डरपोक ना, एंजल तक गुस्सैल और जिद्दी भी है। अब एंजल के बस वो मास्टर के मार के भगावे के रहे। हम अंजलि नहीं, एंजल है। एंजल, एंजल दोबारा हमके छुए के कोशिश भी मत करी। हा पागल, पागल हो गई भी है, पागल हो गई भी है, लड़की पागल हो गई भी है, पागल 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 हो गई भी है। बहन ए बहन, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। राउर बेटी ठीक से ना पढ़त रहला सिया, थोड़ा सा ओकरा के उल्टा सीधा का बोल देनी है कि बोतल चला के सीधे सर फाड़ देला सिया। हाँ अंजलि। अरे अंजलि ना, हूँ एंजल, एंजल बहन। अंजलि दिखा आ गई। झूठ बोल रहा है भाई मास्टर, ये हमरा साथे गंदी हरकत करेला, ऐसे हमें के मरनी हो। अरे ना बहन, ये पागल हो गई भैया। अरे ये अंजलि ना, एंजल, ये एंजल। हाँ हम एंजल हैं। ये झूठ बोल ना मास्टर, हमार बिटिया झूठ ना बोल सकत। वो तोरा संगे जौन भी केले हुई बिल्कुल ठीक केले हुई, और अब तोर सच्चाई हम दुनिया के सामने लेके आईब। अच्छा तो तू दुनिया के सामने लेके आईब, हम वो बताएं दुनिया के सामने कि तहार बेटी पागल हो गई। खबरदार, खबरदार, ये बात अगर घर से बाहर गए तो ते जिंदगी भर जेल में सड़बे मास्टर। याद रखिए, चुपचाप यहाँ से चल जाओ। माफ कह दे, भाग यहाँ से, भाग। चल तो जाइब हम, लेकिन फिर यहाँ आए। फिर आई बे, तब
फेर मारब। भाग! ये सब कहा अंजलि? एंजल अंजलि, ये सब कहा बिटिया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे जन्म पापी मास्टर के संगे तोरा अकेले पढ़े के भेज ली। अब ऐसी गलती कबो न हुई, अब तोरा के कबो न सदे। बाकी नाटक बंद कर बिटिया, ये नाटक बंद। ए मकान मालकिन, हम अंजलि ना एंजल है और तू हमार माई ना मकान मालकिन हूँ। मास्टर अंजलि फिर आ गई ले छोड़ अंजलि क्या कर गले रानी ना अंजलि छोड़ फिर आई बे तो फिर मारा छोड़ अंजलि अरे अरे अंजलि अंजलि छोड़ हम कहता नहीं ना छोड़ छोड़ अंजलि अंजलि छोड़ छोड़ जा सुनो अरे डॉक्टर मैं अंजलि मार डाला तो रखे अंजलि वन मिनट अंजलि बात सुनो शांत हो जा अंजलि अपन मास्टर से लड़े खातिर अपना से बिल्कुल अलग अपने शरीर के भीतर एंजल पैदा कर ले बानी। लेकिन डॉक्टर साहब अंजलि के एंजल के बारे में कुछ पता नहीं थे और एंजल के भी अंजलि के बारे में कुछ मालूम नहीं थे। हाँ ये बीमारी इसने होला एक शरीर में दो या उसे ज्यादा भी लोग रहला जेकर रहन सहन जेकर स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होला एक दूसरे का बातचीत भी याद ना रहेला और यहां तक कि एक दूसर का चीज ओकरा के सामने भी आ जाला तो ऊपर यकीन ना होला। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो मास्टर नहीं के फिर एंजल का है डर शायद डर मास्टर के लौट आवे का डर की वजह से अंजलि के शरीर के भीतर आज भी अंजल पड़ी जे कबो भी आवाज जात रहली एकर इलाज का डॉक्टर साहब इलाज तो कुछ नहीं के बस कुछ दवाई का सहारे मरीज के धीरे धीरे सच बतावत रही जब तक कि मरीज ठीक ना हो जाए सच बतावे में कोनो खतरा तो नहीं थे बहुत बड़ा खतरा बा मरीज के झटका लग सकेला और आत्महत्या का कोशिश भी कर सकेला अब आप सोच ली कि सच्चाई बता के मरीज का साथे जोखिम उठाए हमरा के अब सब समझ में आ गई भाभी जी के अपरिचित फिल्म के हीरो वाला बीमारी बा वैसा ने कुछ बा यार तहरा लगे दुए को रास्ता बा या तो अंजलि भाभी के साथ है जियो या तो उनकर साथ छोड़ दो छोड़ नहीं की सकत यार बहुत प्यार करे ने उनका से हमेशा उनके साथ है रहा सुख में भी दुख में भी और बीमारी में भी हमार समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रहे हम अपना मेहरारू अंजलि के सच ना बता सकत रहनी और ना ही उनका के ऐसे एंजल बन के जिए खातिर छोड़ सकत रहनी इहे दोगो बात हमरा के बेचैन करके रख देले रहे हमके लागत रहे कोनो न कोनो बीच के रास्ता तो निकल ही के पड़ी इससे पहले कि कोनो और दुर्घटना हो जाए का भाई
कुछ ना। माई कुछ कहनी है का? तो हमरा से कौनो गलती भइल बा का? अरे ना, वो जोन फिल्म करे के बना ओकरे कहानी के बारे में सोचे थे। अच्छा, मालूम बा जब आप सोच में डूबल रहेनी तब बहुत सुंदर लागेनी। हमरा के आपके जैसन ही एकदम सुंदर लड़का चाहिए। ना, हमरा के तोहरे जैसन एगो सुंदर बेटी चाहिए, बस ओकर आंख हमरे जैसन होके की चाहिए। काहे हमरा आंख में कोनो प्रॉब्लम बा का? अरे ना, हमार मतलब वो नहीं खे। ना, कोनो प्रॉब्लम हमरा में ही बा, यही से हम आज ले माई ना बन पवनी। ऐसे काहे सोचा था? हाँ, डॉक्टर के दवा और दुआ से सब ठीक हो जाए। रब ने बना दी जोड़ी, देखते देखते हमरे दिमाग में एगो आइडिया आई। माताजी कुछ बात करे करे आपसे। बोलिए बेटा जी। देखिए, हमके एक बात की बहुत नाराजगी बा। का? आज ले आप हमके दहेज में कुछ ना देनी। दामाद जी, जोन कुछ अंजलि कहा तो रोवे कता हा? हम अंजलि की बात नहीं की करत। हाँ, हमके एंजल के हिस्सा में से चाहिए। बेटा जी, कितनी बेर बोली कि अंजल ये एंजल हा। दरअसल आप जौना के अंजलि के नखरा समझेनी, वो एगो बीमारी है। और अगर आप चाहता नहीं कि हम उनके लिए के डॉक्टर के लगे ना जाएं, तो एंजल से हमारी दोस्ती करवा दी। ला ला ला। बिटिया, हमरा के तोरा से केहू के मिलावे के बा। किकरा के? चला मिलाई। ओह माय गॉड, सुपरस्टार निरहुआ। सर, हम राउर बहुत बड़ फैन नहीं, देखी ना पूरा घर में राउर फोटो लगा ले बानी। बिटिया बिटिया, ये निरहुआ ना निरंजन, निरंजन हमारे भाई का बेटा। लेकिन ये तो हूबहू निरहुआ जैसा लागत आ रे। लेकिन आंटी, पहले इनकरा के कबू देखनी ना हम। कहा ना बेटा कि अपने पापा के साथ रहता ना पटना में। पटना में ना, तो ये अब आज से हमरे संग रही है। एजा। हम भी यहाँ अभी अभी शिफ्ट भइल बानी, एकरा पहले कहीं और रहत रहनी है ना आंटी। हाँ, हाँ, हाँ। ये हमरा के मकान मालिक ने अपना के किरायेदार समझा दिया। अच्छा, ये का खुसर पुसर होता? कुछ ना बिटिया, कहता नहीं कि इनकरा के तोरे संगे फिल्म के ऑडिशन एडिशन में जाए के चाहिए ना। अब बिटिया तनी इनकरा के भी कुछ काम हम दिया था। देखी आंटी, ये डुप्लीकेट लोग के कबू मेन रोल तो मिले ला ना, बस कौनो साइड रोल मिल जाए छोटा मोटा। का ना कि हमके खाली एक बार टीवी में लौके के बा, अब चाहे साइड में खड़ा करा लोग चाहे पीछे, बस खाली हमके काम दिवा दी। ठीक बा सुनो, तो के एक्टिंग करे आवेला कि ना? मैं कबा सीख ले। देखा, अगर निरहुआ जैसन बने के बा तो बहुत मेहनत करे के पड़ी। अरे ऊ का मेहनत करेला, जोन मेहनत हम करब। देखियो, गुड। लेकिन सुना, तोके फिल्म में काम करे के बा ना, तो पहले तोके तोहार नाम बदले के पड़ी। आज से तोहार नाम निरंजन ना, नीरू। नीरू। अपना मेहरारू अंजलि खातिर हम निरहुआ रहनी, और एंजल खातिर बन गेनी नीरू, और उनका से दोस्ती कर लेनी ताकि उनकर ख्याल रख सकी। और वो दिन से शुरू हो गई हमार डबल ड्यूटी। मैं इंस्पेक्टर घोबले हूँ, मुझे गाड़ी आ गई है। पहले पब्लिक को अपने बारे में बताने तो दे। मैं इंस्पेक्टर घोबले हूँ, मुझे दूर की चीज नजदीक नजर आती है, समझे? नीचे। क्या है मैडम, आपको पता नहीं दारू पी के गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है? बाहर आइए। Oh, my God.
मुंह खोलिए। अरे मैं क्यों मुंह खोलूं? आपके पास तो दारू चेक करने वाला मशीन कहाँ है? वो था मैडम, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। खैर छोड़िए, आप मुंह खोलिए, मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको दिमाग नहीं है? ऐसी हालत में आप मेरी वाइफ को रास्ते पे खड़ा कर दिए, पता है आपको इनकी हालत? आपको पता है अभी तो ये अचानक। अरे बाप रे बाप। अरे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, डाले तुम क्यों खड़ी हो? जाओ जाके गाड़ी में बैठो, जाओ 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 जाके गाड़ी में बैठो। अब आज संभाल के वो क्या है ना, अब प्रेगनेंसी की हालत में वो बैलेंस बिगड़ जाता है चलते चलते। जाओ 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 जाके गाड़ी में बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मैडम अभी नॉर्मल थी। नॉर्मल? 6 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन दारू की बदबू आ रही। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके बच्चे हैं? हाँ। तो बीबी भी होगी? नहीं, हाँ है। तो आपकी बीबी प्रेगनेंसी की हालत में दारू पीती थी? हाँ। नहीं 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 नहीं। वो क्या है, ऐसी हालत में दारू पीने से बच्चा कमजोर पैदा होता है। हाँ? मेरी बीबी कैसे दारू पी सकती है? मैं खुद डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? हाँ। अरे ये क्या, जीभ दिखाइए। अरे बाप रे बाप। क्या 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 हो डॉक्टर साहब? बहुत बड़ा टेंशन। पर आपको एक बात पता है? हाँ। ये जितनी बीमारियां होती है ना, हाँ? टेंशन की वजह से होती है। डेंगू, मलेरिया, हैजा, कॉलरा, एड्स और पता नहीं क्या क्या। ये एड्स तो वहां जाने से होता है ना। अरे पर वहां आदमी जाता क्यों है? क्यों? टेंशन की वजह से। पर आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, मैं आपका इलाज फ्री में कर दूंगा। कहाँ पर है आपका क्लिनिक? अरे जुहू पे, किसी से पूछिएगा डॉक्टर बच्चन। डॉक्टर बच्चन? हाँ, पर आइएगा जरूर। हम जरूर आएंगे। थैंक यू। पक्का आएंगे, 100% आएंगे। ओह माय गॉड। नीरू तू हमके नीक लागे लागल बाड़ा। हाँ? कहीं तोरा के हमसे प्यार तो ना हो गई? अभी तक तो नहीं है भाई, लेकिन पता ना आगे हो भी सकेला। अगर एंजल के हमरा से प्यार हो गई और हमके एंजल से, तो कहीं ना कहीं ये हमार मेहरारू अंजलि के साथ धोखा हो। सोना बाबू, चलो उठा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, चलो ला दवाई खा ले। रउआ के कैसे पता चल जाला हमरा सर दर्द के बारे में? जानू, जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाला ना, तो सब पता चलेला। का हो? का बोल? एक काम कर, तू ना आराम कर, हंसराज वालन से मीटिंग बा, हम मीटिंग का क्या होता नहीं, कह देव कि तू शूटिंग में बिजी बड़ा। ना यार चलो दानी हमू। वैसे भी 1 घंटा की ब्रेक बा। फिर से एंजल? हाँ यार, सवेरे 4 बज गए। हमरा तो लगा था ना कि अंजलि भाभी के सब कुछ सच सच बता देवे के चाहिए, ना तो तहरा अब इलाज के जरूरत पड़ी। ठीक है ना बा, बिना कसरत के वजन घट रहा बा। तहरा मजाक सुझाता, हम मजाक नहीं की करत, वजन नहीं खे घटत। अब ये हाल रही तो तहार सेहत पर बहुत असर पड़ी। हाँ यार, लेकिन नहीं की बता सकत, पता ना अंजलि सदमा बर्दाश्त कर पाई है कि ना, और हम उनके खोवल नहीं की जात। जैसे चला था वैसे चले दा। ठीक बा। और अब वो हमार जीवन साथी बड़ी, उनका के खुश रखे खातिर हम ये सब जीवन भर कर सकता नहीं। हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं जो बिहार बेस है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम बिहार के सुपरस्टार को इसमें हीरो लें। बॉबी, ये है हरीश के बचपन के दोस्त नंबर 1 वाला। हरीश,
बॉबी। ओहो, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप एक दूसरे को जानते हैं? बचपन से। मच्छर? ये मच्छर हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? नॉटी, नॉटी, वेरी नॉटी। ये बॉबी हमें सही पकड़े हैं। बॉबी मतलब खेल में, पढ़ाई में, लड़ाई में, हर चीज में नंबर वन। देखला बॉबिया के पावर। का भाई? बॉबिया के याद आवता। सब ठीक बा ना? अरे सब ठीक बा। हमरा का भाई? फिल्म के हीरो तो तू बाड़ा। अब बचपन के बाद बचपन में ठीक रहे अब 20 साल हो गई। हम तय कर ले बानी बॉबिया से ना, मतलब काम से काम रखे के बा। तू ना काम से काम रखबा। आओ मतलब हाथ पे हाथ रखी, होठ पे होठ रखी, और पता न कहाँ कहाँ का का रखी। लेला मजा फ्री में जो मिलता है। फ्री में तो तू मिलता रहा बोबिया के। 20 साल के प्यास बुझाई बोबिया। अरे नाम मतलब ओकर, ओकर नाम सुन के हमार फटत है। अभी से जी, अभी से जैसे तहार सास के नाम सुन के तहार फटेला। अभी सोचा कि तहार सास काल का करे वाला बाड़ी। का भइल? फट गइल? इनकरा खातिर तो हम स्पेशल मोरे एक पराठा बनोले बनी। हाय हाय हाय, ला खा। बस बस बस। अरे ऐसे कैसे बस? अरे यो खा। अरे कितना खाई? खा बेटा, बस हो गई। अरे कल युग में आए भाई जी, दो ये गो के राज बा, जय हो दारू जय मेहरारू। ये लोग पर राज बा, हम है जड़ी बूटी के बाबा, और आज बनी घर में सुतल चीज जगा खातिर। ये है लड़की के बाल। बड़ी स्वादिष्ट भाई। यह लड़का के बाल तनी एकरो सवाद चिखली। बाप रे बाप, महा बेकार भाई। ए मौसा, लड़के के बाल ठीक रखा, लड़का के बाल महा बेकार बा। कहो मौसा, तू हो टेस्ट करब? आवा आवा, दोनों के टेस्टिंग कलनी हम। समस्या और लड़के में बा। लेकिन बाबा, डॉक्टर तो कहे ना कि समस्या लड़की में बा। अरे आजकल के डॉक्टर के ज्ञान ही कहाँ बा। हाँ। हमारे प्राचीन विद्याओं के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। ये कहा बाबा? ये ऐसा जड़ी बूटी बा जेकरा से रौर दामाद के रोज ताकत प्रदान करी। बाबा वो इतना कसरत करे ना, इतना कसरत करे ना कि हमरा के नहीं लगे कि ओकरा अंदर ताकत के कमी बा। ऊपर वाला ताकत नहीं, नीचे वाला ताकत, नीचे वाला। उनकर घोर भी ठीक है बाबा, वो लगभग 100 दंड बैठक सवेर करेलन। अरे माते रवा के कैसे समझाई हम? कोनो भी सुतल आदमी के जड़ी बूटी जगा देला। हाँ बाबा, सवेरे 6 बजे उठ के कपारे पर नौचे शुरू कर देना, बिना के उके जगाउले जगाना। माते रोज एक दूध मिला के पिलाई, फिर देखी रहा दामाद जी के कैसे सुहागरत बनाओ तरे। परसुनी तन कबे मिला के पिया। अच्छा ऐसे बोला ना? का भइल? कुछ मिले ले बनी का? हाँ मिल मिल, अभी मतलब प्यार कूट कूट के अपन प्यार। एक और बस हो गई। अरे बस 4 पराठा, देखी हड्डी हड्डी लोकता बेटा जी। एक और खाली ना? बस हो गई। अब बस, अच्छा एक काम करा, ये ले, ये टिफिन, एक के लेके जाए, बैठ के आराम से जब फुर्सत मिले ना अकेल खाब, एकदम अकेल खाब, लेकिन खा ले। टिफिन भी तैयार बा।
आउर न तो कदम आजी रुआ किया ला मैं तो रखी ला आउर के रखे ला अकेल खाओ। चलिए ठीक बा निकला तानी बाय चलो बाय काले ठीक बा खा पराठा खा। सर सीन ई बा कि मीना जी रोवा से अलग होके जी ना पौली। अच्छा अब वो मर गई बाड़ी। ओह और मर के आत्मा बन गई बाड़ी। अच्छा और वापस आई बाड़ी रुआ के मार के अपना साथी ले जाए खाते आत्मा के दुनिया में। ओह लेकिन राउर जिंदगी में जोन बा दूसरा लड़की आकर बड़ी तो स्वाभाविक बा रुआ एकरा देख के डरे। हाँ तो सीन ये बाटे सर कि जैसे ही हम एक्शन बोले रुआ के एकरा के देख के भाग जाए के बा। ठीक ठीक बनू एक्शन। विजय हम कब से तुम्हारी इंतजार कर रहे बानी हमरा पास आवा। विजय सर हम रुआ के बोलनी है आपके इंकरा के देख के भागे के बा। ई भूत बाड़ी। अच्छा भागे के बा। ओ रुआ इंकरा के गला लगा लेनी है। ओके सर रेडी फिर से करी जा। सॉरी ठीक है सर एक्शन। विजय हम कब से तुहार इंतजार कर रहे बानी आवा 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 ना सर रउआ का करतनी हम कहनी है कि रउआ इंकरा के देख के नू भागे के बा जब ही रउआ के बुलावत होई रउआ गला लगा लेनी है। अच्छा रउआ ये बुलाई है न अगर पीछे से पकड़ी तो। अरे ना सर ना हेने से ना होने से। अच्छा पकड़ हेने से। अरे सर पकड़े के है ये नहीं खे पकड़ी मत। हाँ आई ओके ओके चली हो जाए एक्शन। विजय हम कब से तुहार इंतजार कर रहे बानी आवा अपन मीरा के पास आवा। विजय आवा विजय आवा हमरा पास आवा। विजय अपन मीरा के पास आवा आवा। विजय आवा विजय अरे काम कर रही रहुआ बार बार रहुआ के कहता नहीं हाथ छोड़ी छोड़ी पकड़े के नहीं खेमर दे इंकरा के देख के भाग जाए के बा। अरे छोड़ी नू अरे सी समझते नहीं की ये भूत बाड़ी रहुआ इंकरा के देख के भागे के बा और रहुआ भागते नहीं की। यार मतलब इतना सेक्सी लड़की सामने खड़ा के लिए बाड़ा और कहता रहा कि भागे के बा तुम्हारी स्क्रिप्ट गलत बा यार पहले अपन स्क्रिप्ट ठीक करा। अब नीरवा जी आप बैठिए आप बैठिए सर। अरे एक मिनट राउर जो स्क्रीन प्ले बा ना वो में थोड़ा सा प्रॉब्लम बा। अब भूत बुलावतिया तो भूत ने दिखे के चाहिए अतना सेक्सी भूतनी बुला ले बड़ा तो कहा मन पसीज जाता हीरो के तो डिस्टर्ब हो गई तब तक दूसरा सीन करी हम देखा था नहीं पता ना आज काहे तबीयत खराब हो गई उनका के। अरे प्रोडक्शन स्क्रिप्ट गड़बड़ बा करे के लूर नहीं के आ गए बा। प्रोडक्शन जी सर कॉफी लाओ। यस सर। पराठे टेस्टी खड़ा का है बड़ा आराम कर लो ना बैठ जा थोड़ी देर लागा था खाना में कुछ गड़बड़ रहे तहार नियत में गड़बड़ी रहे। ना यार वो हमार सासू जी के मूली के स्पेशल पराठा के कारनामा है। हाँ कारनामा तो रंग दिखा रहल बा बस टाइमिंग या थोड़ा गड़बड़ा गई। अरे यार समझ में नहीं खे आवत
रोज कुछ न कुछ नया षड्यंत्र करत रहे यार। एक काम कर रहे ना, जाके अपने सासू माँ के सामने खड़ा हो जा और कह दा, बस माते बस, अब और नहीं। हाँ बेटा मजाक कर ले, हर कुत्ता के दिन आवेला। अबे कुछ तो मदद कर। अरे हम का करी मदद, जे करे के बात अरे ना करे के बात, वो भी अपना हाथ से। अच्छा बेटा दिखाई तो के। ना ना हमारा कुछ मत दिखावा, हमरा एगो जरूरी मीटिंग बा बबिया के साथ, हम वैसे जाता नहीं। अरे का तोरा कहीं पसीना होता रे? आए? एसी चलता? हाँ हो, एसी में पसीना चलता। पराठा खा लेगा? अब जो जो मीटिंग कर बबिया से, अब एकदम सही मीटिंग हुई। अंदर से कुछ कुछ हो रहा बा यार, क्या हो रहा बा? और बताओ अंजलि, सब ठीक ठाक चलता ना? हाँ यार सब ठीक है बा। ठीक है बा मतलब कहीं जिंदगी से बोर तो ना हो गए बड़ू? अच्छा ये बताओ तोहार निरहू आजकल सटल रहता रे के ना? अरे कहत आनी ना सब ठीक है बा, अब तू बाल के खाल मत निकालो। कुछ बात तो जरूर बा। अरे अंजलि कहीं तोहार निरहू के चक्कर कोनो और लड़की से तो ना हो गए हो? ना ना वो ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं खन, वो तो हमरा से बहुत प्यार करेलन। बस कबो कबो मन उदास हो जाला कि काश हमू माई बन जाती तो हमरो दुनिया के सब खुशी मिल जाए। मिली बिटिया ऐसे नहीं कह के सब ठीक हो जाए, बस आज हम जब तोरा के कहब ना तब तू दामाद जी के पास जाइया। दामाद जी? अरे दामाद जी, अरे ई का तुम दामाद जी? अरे सारा खून उल्टा दौड़ जाई। अरे उल्टा दौड़ा था यही से तो करा था नहीं, सारा खून नीचे उतर गए बा। अरे जानो ये का करता नहीं, सुते के टाइम पे योगा करता नहीं। जान तू आगे लुड़ा, अब योगा करे की जरूरत देखे। ना छोड़ी, हम बहुत थक गए बानी, हमरा के बहुत नींद आवता। अरे प्लीज जान छोड़ी ना, आज हमार मूड नहीं खे। ऐसे कैसे मूड नहीं खे? सुना ना, अरे तोरा माई के मूली के पराठा खातिर अब कबो मूली के पराठा ना खाए। अब कबो ना खाए, बस तू भी हो दो। हमरा नहीं के खाए के रउए खा ली। अरे कहा था नहीं हमरा नहीं के खाए के, हम ना खाए। अपना बेटी के खियाई बबुआ हो तो हरा खातिर प्यार से बनौले बानी, गैया के घीवा चबोर के लगौले बानी। डाइटिंग पे बानी हमके घीव तेल मानाबा, हरी हर सलाद खा।
खाली फल फ्रूट खाना बा। हमरा लेट होता शूटिंग पे जाए के बाद। अरे भूख लगी तो हम खा ले। हाँ रवा चिंता मत कर। घंटा तो डेली एक्सरसाइज करी ले। खाईला में करबा बबुआ जब तू कम फरमाइज तोहरा से होखी नहीं कोनो एक्सरसाइज। जे तू डिसाइड करबू हमर खान पान हो नीम हकीम पड़ी खतरे में जान हो। खाईला में फायदा नहीं के खाईला में फायदा नहीं के बाटे बड़ी घाटा ना खाईब तनी दूरे रखा टिफिन में दे दी का ना खाईब तनी दूरे रखा मूली के पराठा ना खाईब तनी दूरे रखा मूली के पराठा बनावले बानी खाला बबुआ। हटाइबू की ना सामने से ये पराठा देखिए कि हमार खड़ा हो जाता कान। बगला जी टिफिन से ले ले जा। पांच बार। अरे हाँ यार इस सब सासू जी के मूली के पराठा के कमाल है। काल रात ऐसा लागत रहे कि हमरा अंदर के और घुस गई बा। ये हुआ और हाँ जैसे कोनो जानवर और हम अपने पे कंट्रोल है ना कपैनी। हम समझ सकीला यार तहरा सासू माई के मूली के पराठा के शिकार हम हो गई बानी। तहरा लगे तो अंजलि भाभी बाड़ी हमरा लगे हम हमार तनहाई। अच्छा तोरा लगे बोबिया नहीं के अब नाम मतलब होकर। अच्छा बताइले ना मीटिंग कैसन रहे तोनी की। बॉबी 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 माय डार्लिंग ओह माय डार्लिंग आई लव यू सो मच बॉबी लव यू टू यू आर माय स्वीट हार्ट। हरीश यस डार्लिंग आज बहुत मूड में हो डार्लिंग क्या खा कर आए हो। मूली के पराठे तुम रोज खाया करो। यस अच्छा रहे बहुत अच्छा मीटिंग रहे सब ठीक रहे। हसा जीन हम पटना जाता नहीं का करे पटना। अरे बोबिया के शूटिंग पटना में ना बा। वाह यार मतलब अब की होली बोबिया के साथ है। खूब पिचकारी चली। हाँ तो ठीक बा हम जाते नहीं। अरे 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 इधर पास कर पास कर पास कर नहीं नहीं इधर इधर अरे कॉर्नर से भाई कॉर्नर से भाई अरे 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 बॉस 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 अरे 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 फुटबॉल मैच सुना हमरो के खिलाई बलो। अबे लड़की तो कमाल है बे। अब ये मिलेगी किसको मैच करके डिसाइड करते हैं। हाँ नीरू जल्दी आओ बचो गस पाक मैंने गोल मारा लड़की मेरे साथ जाएगी। अबे शाने लड़की तेरे साथ तब जाएगी जब मैच खेलेगा। अच्छा मैच खेलोगे
चलो हो जा, जा अपनी टीम ले आ। मेरी टीम तो मैं अकेले हूं। मैं अकेले तुम में 6 गोल मारूंगा और लड़की लेके जाऊंगा। तुम 6 मिलके 1 गोल मार दिए तो लड़की तुम्हारी। छठा गोल 6 जन मिल के बचेगा। चलो बचा वालो। बीमारी देखो, ये लोगों को देखो, हवलदार भी नहीं है। ओहो देवा, ठीक करते रे। है बीमारी में समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। ए देवा मेरे को ठीक कर दे देवा। मैं नारियल फोड़ेगा, मुझे डॉक्टर बच्चन से मिला दे। मुझे एड्रेस क्या दिया समझ में नहीं आता, घूम फिर के। अरे डॉक्टर बच्चन साहब, आप होली कैसी रही आपकी? अरे डॉक्टर साहब, होली काय का, होली के दिन तो काम और बढ़ जाता है। अच्छा, फिर तो आपका बीमारी और बढ़ जाएगा। मुंह खोलिए। आय हाय हाय हाय, हो गई ना गड़बड़। बोले थे आपको आके चेक करा लीजिएगा महाराज, आप आए नहीं। अरे हम तो आपका क्लिनिक कितना ढूंढे, मिले ही नहीं। जाने दीजिए, अब कोनो फायदा नहीं है। अब तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। अरे रुकिए, अरे डॉक्टर साहब बताइए हमको क्या हुआ है। थोड़ा मुंह और खोलिए। हाँ। वो थोड़ा स्ट्रेस के वजह से ना, आपको निक्रोफेलिया हो गया है। निक्रो? हाँ। ये क्या? उधर देखिए नीरू। अब मेरी वाइफ आपको प्रेग्नेंट नहीं दिख रही होगी। हाँ? वो कैसे? निक्रोफेलिया की वजह से। ये वो... आप एक काम कीजिए, इससे पहले कि आपकी आंख एकदम खत्म हो जाए, आप आके चेक करा लो ना भाई। कहाँ? वहीं जू पे, किसी को पूछो ना, डॉक्टर बच्चन पहुंचा देगा। अरे डॉक्टर साहब, हम आए थे जू पर, हम आए थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे हम आए थे, लेकिन लोग हमें घुमा फिरा कर अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़ा कर देते थे। लोग हमको डॉक्टर बच्चन साहब के क्लिनिक के सामने खड़ा करते थे, लेकिन आंखों की वजह से हम अमिताभ बच्चन का घर समझते थे। हाँ हम समझ गए,
अरे डॉक्टर साहब हम समझ गए, अब हम आ जाएंगे। तो के पता बा, हमके हमेशा से एगो पागल लड़का चाहत रहे, बिल्कुल हमरे जैसन, और तू एकदम वैसन है बाड़ा। यही से तो हम तो से प्यार कर बैठल हैं। पता न का है, आज अपने ही मेहरारू के मुंह से प्यार शब्द सुन के अच्छा ना लगत रहे, काहे कि ई कहीं न कहीं हमार मेहरारू अंजलि के साथ धोखा रहे। लेकिन हमके कबो धोखा मत दिया। ई तो ही हो अंजलि, लेकिन एहसास अलग है। ई उहे तना, लेकिन राहत अलग। अरे तू यहाँ काहे? हम रहुआ शूटिंग पर नहीं आ सके निका? का बात करता रू, काहे ना आ सकता रू? कहीं भी आ सकता रू, कहीं भी जा सकता रू। तो चीहू काहे गई नी? तू मंदिर जाए वाला रहलू ना? हम तो मंदिरे जाए वाला रहनी, लेकिन रहुआ शूटिंग के बाद कहाँ और केकरा साथे जानी? हम कहाँ जाए सुना? और हाँ, केकरा साथे जाए? एंजल के साथे। के बाड़ी एंजल? बोली के है एंजल? सच बतावे में कोनो खतरा तो नहीं थी? बहुत बड़ खतरा। रहुआ जवाब का ही नहीं की देत, बताएं के बाड़ी एंजल? मरीज के झटका लग सकेला और आत्महत्या का कोशिश भी कर सकेला। आंख काहे चुरावतानी? जवाब दी के बाड़ी एंजल? अब आप सोच ले कि सच्चाई बता के मरीज का साथी जोखिम उठाई? अंजलि वा स्वाति ठीक है कहत रहे, राहुल चक्कर कौनो दूसर लड़की के साथ चलता? देखा हमार बात सुना, ऐसन कौनो बात नहीं करे। हमके रहुआ से बात नहीं की करे के, बल्कि राहुल शक्ल भी नहीं के देखे के। हम अपना माई के साथ अपना घरे जाता नहीं। हम चाह के भी उनका से सच ना बता सकत रहनी, कहे कि उस सच बर्दाश्त ना कर पाई है। का अब भी निरहुआ अपना दुल्ही से सटल रही? ई जानल जाई मध्यांतर के बाद। इंटरवल के पहले आप देखनी है निरहुआ सटल रहे के कहानी, जोना में निरहुआ के बीवी के दू गो रूप है, अंजलि और एंजल। अंजलि एंजल के पैदा कैले रहली अपने बचपन के मास्टर से बदला लेवे खातिर, काहे कि अंजलि मास्टर से डराइल रहली, घबराइल रहली। मास्टर तो बचपन में चल गई, लेकिन मास्टर के लौट आवे के डर से मास्टर से लड़े खातिर अंजलि के दिमाग में एंजल हमेशा जिंदा रहली और वो कभी भी आ जात रहली। हम अंजलि के सच्चाई कबो ना बता पौनी यह डर से कि कहीं ये सच्चाई के सदमा से अंजलि के कुछ न हो जाए। अब हम अपने मेहरारू के दूसरा रूप एंजल के ऐसे ही छोड़ त ना सकत रहनी, एह लिए हम अपने अंजलि के दूसर रूप एंजल के जीवन में एक नया रूप लेके एंट्री लेनी नीरू बनके। और कमाल के बात तो यही है कि एंजल के नीरू से प्यार भी हो गई। और जब एह बात के खबर हमरा बीवी अंजलि की चलल कि हमरा जीवन में कौनो और लड़की बा जेकर नाम एंजल है, जेकरा बारे में वो कुछ ना जानत रहली, तो अंजलि हमरा से सारा रिश्ता तोड़ देली। हम अंजलि के ही बता भी ना पावत रहनी कि जोना एंजल से हमके प्यार भइल बा वो अंजलि के ही दूसर रूप है। अब आगे देखें सबे। बिटिया का भाई काहे रोता रो? हम उनके
कब माफ न करब माई। अरे का भइल बताइबो कुछ। अरे का भइल कुछ बोलबू माई। उनकर कोनो दूसर लड़की के साथ चक्कर चलता। हे भगवान, दवाई का डोज कहीं ज्यादा तो ना हो गई? ना ना हम उनसे नफरत करी ला माई। हाँ, अच्छा पहले चुप, मुंह बंद करा, पहले रोल बंद करा, रोल बंद करा पहले। हमारे बात सुना, दामा जी ऐसा नहीं खान बेटा, बहुत अच्छा लेका हूँ वो बिटिया। और हम जाना तेरी बिटिया, वो तोरा अलावा क्यों से प्यार करिए नहीं खेल सकेला, ये बात हम तोरा के लिख के भी दे सकेला। हाँ? अच्छा एक काम करा, तू एक बार उनसे बात तो करके देखा ना। का सिचुएशन बा यार, तू चाह के भी अंजलि भाभी से सच नहीं खे बोल सकत, तहरा लगे कोनो रास्ता भी नहीं खे। एक काम कर, झूठ बोल दा। कैसे झूठ बोल दी यार, वो हमसे बातें नहीं की कल चाह। ठीक बा, अच्छा वो शूटिंग के लोकेशन मिलल? बॉबिया के तो हम खून करे वाला बनी, वो भी दो तीन दिन के अंदर। खाली ही पता करे के कोशिश करता नहीं कि मारे के कैसे बाव करा। का भइल रे? अरे ही पूछा कि का ना भइल। हरीश, ये है अपना शूटिंग के लोकेशन। कैसन लागल? बढ़िया बा। बाकी लोग कब आई? बाकी लोग सुबह आई हैं। सुबह? तब हमहू सुबह आ जाता नहीं, होटल में रुक जाता नहीं। हरीश, तू का चाहता रहा, शूटिंग हो या ना हो? अब मतलब? मतलब ये कि बात तो सिर्फ रात भर की है। हाँ, राते भर के तो बात बा, काले तो सब आइए जाइए हैं। yes. तो हम फ्रेश हो जाते नहीं? वेरी गुड, वो सामने वाला कमरा आपका है। अच्छा, ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। कुत्ता। यस। मंद कर दे ओ खट में मुंह सर से कुट दे जवानी राजा जी। ए हो, मंद कर दे ओ खट में मुंह सर से कुट दे जवानी राजा जी। अब मजहल लो सटी के सटा के हटा के मथर नानी राजा जी। अब मजहल लो सटी के सटा के हटा के मच्छरदानी राजा जी। छपरा जिला के हई रंगीला, बनबे त कर दब तोर नस ढीला हो। छपरा जिला के हई रंगीला, बनबे त कर दब तोर नस ढीला। छड़बे जे हमके दोबारा देव छारा सरक जाई नारा, मार देव छारा सरक जाई नारा, मार देव छारा सरक जाई नारा। मारो ये राजा जी, मारो ये राजा जी, मारो ये राजा। मुहावा पे डाली के चौधरिया चलो ना मजा, मारो ये राजा। मुहावा पे डाली के चौधरिया चलो ना मजा, मारो ये राजा।
डोलेला कबो पाछ डोलेला तोर आग डोलेला कबो पाछ डोलेला जब हिलावेले कमरिया दूनो साथ डोलेला जब हिलावेले कमरिया दूनो साथ डोलेला मैंगो फ्रूटी टाना टन बाकी ना हो नौका बदान को डिमांड बा नौका बदान को डिमांड बा कि लास में उछाल दी का हो मुखल मुहावे में धार दीहिका 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 नल्ला हकारे अरे मुझो साना हाँ तोहरे पेन के स्याही खत्म हो गेल हो बेटा बबिया के मरे के टाइम आ गइल बा चली फिल्म छोड़ देता नहीं ना हाँ फिर तो के उसे मिले की जरूरत ना पड़ी ना ना ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आवेला हम ठीक बानी हमरा खातिर ये का कम बा कि हमरा के तू दोस्त समझाता रह रहे खातिर घर देले बड़ा फिल्म छोड़े के जरूरत नहीं खे चल कुछ दूसरा रास्ता निकाला था नहीं दूसर हाँ तू हमार मदद कर हम तोर मदद करता नहीं फोन करके प्यार से बोबिया के बोला बोबिया के फोन करी हो प्यार से हाँ प्यार से अरे कर ना प्यार से हाँ बॉबी डार्लिंग माय स्वीट हार्ट माय बेबी माय डार्लिंग टेल मी हमरा तहरा से मिले के बा हमरा तहरा के देख के कुछ कुछ होखे लागल हा हम तहरा से अपन दिल के बात कहे के चाहता नहीं ओह माय स्वीट बेबी आ जाओ कमन मेरे घर पे आ जाओ तहरा घरे ना हाँ हमरा घरे आ जा ना तुम्हारे घर पे हाँ यही वक्त अभी के अभी आ जा मैं अभी आ रहा हूँ अभी आता ओके डार्लिंग थैंक यू डार्लिंग सी यू डार्लिंग बड़ा खुश हो गई रहे तोहरे याद में बढ़ गई बा धड़कन के रफ्तार मोर बलमुआ हो कब ले करे बा इंतजार मोर बलमुआ हो बेबी बॉबी डार्लिंग इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई बॉबी डार्लिंग हाँ बेबी हमरा तहरा से एगो बात बतावे के रहे बोलो तू जब जब हमरा के छुएला ना हाँ तो हमरा बदन में पूरा करंट जाग जाला मेरी बेबी हाँ पहले ऐसा ना हो खत रहे अच्छा हमरा तो लगा था कि हमरा के तरह से प्यार हो गई बा हम बहुत कंफ्यूज हो गई बानी बेबी हाँ तू तो बचपन से कंफ्यूज हो इतना नजदीक शिवला से हमसे पूछा आप कैसे एहसास हो रहा बा बॉबी डार्लिंग एक और बात कह के रहे बोलो ना डार्लिंग हमरा दिल की इच्छा पूरा करो हाँ बोलो हमरा के जोर से हाँ सीना से सीना लगा के खींच लो ओ बेबी कम ऑन हाँ बॉबी डार्लिंग मजा आ गया बॉबी डार्लिंग हाँ बेबी आज तो बहुत हाँ बॉबी हाँ अपने हनीमून में तो इतनी बेताबी नहीं दिखाई तुमने अरे बेबी एक्चुअली बात यह है कि आप मुझे तुम्हारी असलियत पे पहले से ही शक था सही पकड़े हैं आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो वरना इस कंपनी के मालिक तुम नहीं होते तुमने मेरा और मेरे डैडी का इस्तेमाल किया है अब मुझे तो खुशी होती अगर तुम किसी लड़के के साथ होते पर अफसोस लड़का अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे कल डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे साइन कर देना बेबी बेबी शट अप मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी
थैंक यू नीरहुआ जी, आपकी हिंदी फिल्म धूमधाम से होगी। बेबी बेबी, मोर बलमुआ हो कब ले करैबा इंतजार। हमार प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थैंक यू वेरी मच। अब हम तहार प्रॉब्लम सॉल्व करत नहीं। अच्छा कैसे? अभी देखा, अभी हम फोन लगावत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाई। हाँ अंजलि भाभी, हरीश हमरा समस्या के समाधान कर देलस। वो अंजलि से ही बतौलस कि एंजल हमार ना ओकर गर्लफ्रेंड है और एंजल के लॉकेट उहे ओकरा के गाड़ी में देले रहे। अंजलि हमरा के माफ कर देली और साथ में एक खुशखबरी भी सुनौली। हमरा के माफ कर दी, उ दिन हम कुछ ज्यादा ही बोल गई नी। दरअसल कुल गलती हमरे बा। कौन बात ना? ई सब बेवकूफी ना हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता। हार्मोनल चेंजेस? हाँ, ऐसे में मूड ऊपर नीचे होला और चिड़चिड़ापन भी होला। अब हमार मूड ऊपर नीचे काहे करता रहू? बताओ ना सीधे सीधे का बात बा। हम माई बने वाले मानी का? सच? हाँ। अंजलि माई बने वाली बाड़ी, मतलब एंजल भी। लेकिन का अंजलि की तरह एंजल भी माई बने खातिर तैयार हो जी हैं? इस सोच के हमार खुशी घबराहट में बदल गई। अरे एंजल तनी संभाल के। अरे तू तो ऐसे बोला तारा जैसे कि हम माई बने वाला बानी। एंजल एंजल एंजल, एक बात बताओ, माई बने के बारे में का सोच ले बाबू? ए मैं सोचे के काबा, जब हमरा के माई बने ही के नहीं के। मतलब? मतलब ई कि शादी बिया बाल बच्चा ये सब हमरा के ना चाही, हम तो बस ऐसे ही तोहरा साथे एंजॉय करब। और कहीं एंजॉय करते करते माई बन गेलु तब? तब जैसे हम की बात पता चली हम अपन बच्चा गिरा देब। एंजल, हम के तोसे ई उम्मीद ना रहे। अरे का भइल नीरू? नीरू, अरे नीरू, नीरू सुना था का हो गए? जब हमरा के माई बने ही के नहीं के तो एमे का प्रॉब्लम बा? प्रॉब्लम एमे नहीं के कि तो के माई नहीं के बने के, प्रॉब्लम एमे बा कि अगर तू माई बन गई लो तो अपन बच्चा गिरा देवू। हाँ सच तो ये है कि तू माई बने के लायक नहीं को। बिल्कुल सही कहा तारा, हम माई बने लायक नहीं की और ना ही तोरा साथ रहे लायक बानी। यही से आज के बाद हमरा से मिलना की कोशिश मत करियो। वक्त और हालात हमके ऐसने मोड़ पे लिया के खड़ा कर देलस कि हमके अपने बच्चा के अपने ही बीवी से बचावे के बा। और ये कैसे हुई हमरा नहीं के पता। डॉक्टर साहब, बेटा जी ये पागलन की डॉक्टर के घर में काहे बोलो लाहा? काहे कि आप हॉस्पिटल जाए खातिर तैयार नहीं थी। अंजलि बच्चा चाहती है और एंजल ना, ये समझावे खातिर ये पागलन का डॉक्टर तोहर घर आयल बा। हमार बेटी पागल नहीं के डॉक्टर, ओकरा बारे में ये सब बात बोल के समाज के सामने ओकर तमाशा मत बनावा। ओकरा कोनो समस्या ना हो, एकदम ठीक बा बस। हमू तो ये कहत नहीं कि अंजलि के कोनो प्रॉब्लम नहीं के, प्रॉब्लम तो रुआ में बा। हमरा में का प्रॉब्लम बा? राहुल प्रॉब्लम ई बा कि राहुल के अपन बेटी से ज्यादा अपन इज्जत प्यारी बा, अपन मान अपन सम्मान प्यारी बा, अपन बेटी के कम
और दुनिया के चिंता ज्यादा बा कि लोग का सोची लोग का कही रुआ खातिर ई बहुत महत्वपूर्ण बा। रुआ दुनिया के चलते अपन बेटी की बीमारी के ना अपन बेटी की नजरअंदाज करने वाले। चली कोनो बात ना, रुआ के हिसाब से एंजल ना आई तो ठीक बा, लेकिन अगर कहीं एंजल आ गई और अपन पढ़ल पेट देख लेलस और बच्चा गिरवा देलस तो अंजलि के दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगी और इस सदमा ओकर जान भी ले सकेला। और एक जिम्मेदार सिर्फ आप पर जाए, सिर्फ आप पर। डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय हो, टेम्पररी ही सही। हमारा हिसाब से एक ही गो इलाज बा, बच्चा गिरवा दो। नहीं, नहीं। अंजलि एंजल बनल हमरा वजह से, काश हम दूसर ब्याह न कर ले। अंजलि का इलाज बचपन में ही करा दे रहे ताजी नौबत ना आवत। बाकी हम जोन भी के लिए अपना बिटिया खातर के लिए हम ना चाहत रहे कि दुनिया वाला हमरा बेटी के पागल का ना चाहत रहे। बाकी हाँ समझ में आवता कि हमरा में और ये दुनिया वालन की सोच में कोनो फर्क नहीं की, कोनो फर्क नहीं की। बेटा जी रुआ सोचे तो कब की रुआ के हम धोखा दे रहे, ऐसा ना हो बड़ बुजुर्ग कले रहना कि ब्याह के बाद सब ठीक हो जाए। हम ओ के लगल कि सब ठीक हो जाए, बाकी हमार किस्मत देखी रुआ जिसन दमाद पौनी जिकर जीवन अंजलि और एंजल के चक्कर में पिस के रह गए। बाकी रुआ के मुंह से उफ तक ना निकलल, किस्मत वालन के ऐसा दबाव मिला बेटा जी। माई कहीं ना कहीं गलती हमरो बा, हम सब कुछ जानते हुए भी अंजलि के ठीक से इलाज ना करा पाई और आज भी उनके सच बतावे से घबराहट हो रहा बा। जनता ने बेटा जी खाली ये खातिर कि हमने की अंजलि से बहुत प्यार करेला होकर दुख नहीं बर्दाश्त कर सकत होके हमको ओल नहीं के जा, और यही वजह से आज उनकर तकलीफ और बढ़ गई बा। पर माई कबो कबो कठिन फैसला से ही सही फैसला मिलेगा। लेकिन बेटा बच्चा गिरावे खातिर अंजलि कबू तैयार ना हुई, हमनी के उनके कैसा यकीन दिलावे के पड़ी कि बच्चा के डिलीवरी उनका खातिर जानलेवा हो सके। बिल्कुल ठीक, यही सही रहेगा। हम समझाएं अंजलि के। Thank you.
कवन कसूर भइल हे विधाता, कवन कसूर भइल हे विधाता, जियलो न जाला जहर पियलो न जाला, कवन कसूर भइल हे विधाता, जियलो न जाला जहर पियलो न जाला, जिंदगी में सन मोड़ बहाय, जिंदगी में सन मोड़ बहाय, चल लो न जाना आगे बढ़लो न जाना, कवन कसूर भइल हे विधाता, जियलो न जाला जहर पियलो न जाला, कवन कसूर भइल हे विधाता। केकरा से कही हम दिल के दर्दिया, रही रही टीस उठावे हो, हो, हो केकरा से कही हम दिल के दर्दिया, रही रही टीस उठावे हो, रीत प्रीतिया के कैसे बचाए, कुछ हो समझ ना भी हो, झर झर बरसे अखिया से लोरावा, झर झर बरसे अखिया से लोरावा, कहलो न जाना दुख सहलो न जाना, कवन कसूर भइल हे विधाता, जियलो न जाना जहर पियलो न जाना, कवन कसूर भइल हे विधाता। अंजलि। हाँ। कहाँ जाते हो? हम मॉल जाता नहीं, हमरे ढेर सारा शॉपिंग करे के बा। कौन चीज के? हेलो, हम माई बने वाला बानी, रउआ के तो कोनो फिकरे नहीं खे, हमके तो लागत था रउआ खुश भी नहीं की। अंजलि, कुछ बात करे के रहे तोरा से। का? वो डॉक्टर कहत रहे कि ये बच्चा तोरा खातिर जानलेवा साबित हो सकेला, तो हमके लागत था कि गर्भपात करा दिया जाए। का कहा था नी? रहुआ होश में तबानी? रहुआ जानता था नी ना कि बच्चा खातिर हम कितना तरसल बानी? हमके पता बा, लेकिन हमरा खातिर तू ज्यादा महत्व रखे बच्चा ना, लेकिन हमरा खातिर हमार बच्चा। सुना बिटिया, तू बच्चा खातिर तैयार बड़ू? हाँ, पर काहे? काहे से कि ये डिलीवरी तोरा खातिर जानलेवा भी हो सकेला, हम तोरा के खोल नहीं खिंचा। अरे, तू हमार इकलौती लाडली हो ना माई, ई का हो गई बारे हुआ लोग के, पहले यहाँ के और अब तू के बात, तू लोग के पागल डॉक्टर जे कहता कि बच्चा हमरा खातिर जान ले बाबा। चलो चलो, हम तू लोग के अपना डॉक्टर से मिलवा बतानी, चलो। जारे के, बगिया के जारे के, लेके
आँखवा के रहिया में नहिया के नाता, दुखवा के रहिया में नहिया के नाता। तोड़ लो न जाना दिल, जोड़ लो न जाना। कवन कसूर भई विधाता, जियलो न जाला जहर, पियलो न जाला। घबराने की कोई बात नहीं, माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। हमरा के आपके जैसा नहीं, एकदम सुंदर लड़का चाहिए। हमरा के तोहरे जैसन एगो सुंदर बेटी चाहिए, बस ओकर आंख हमरे जैसन होके के चाहिए। हम माई बने वाले मानी का? सच? हाँ। हमरा हिसाब से एक ही गो इलाज बा, बच्चा गिरवा दो। माई बने के बारे में का सोच ले बड़ो? ए में सोचे के का बा, जब हमरा के माई बने ही के नहीं के, और कहीं एंजॉय करते करते माई बन गेलु, तब तब जैसे हम की बात पता चली, हम अपन बच्चा गिरा दे। एंजल ई का हा? हरीश। हम हमार बच्चा। बच्चा कहां बा? बच्चा देख। हाँ? हाथ। हाँ हाँ। और ये पेट। हाँ। और पैर भी बन रहा बा। बच्चा अभी बहुत कच्चा बा। हरीश, हमरा बच्चा के बारे में फालतू बात मत कर। बहुत प्यार उमड़ रहल बा बच्चा पे। दो दिन पहले तो बच्चा गिरावे के बात करत रहल। हमसे ही अपराध ना हो, ये हमार बच्चा। हाँ? और ये जिंदा बा, हमें करा मासूम दिल के धड़कन सुन ले बानी यार, धक 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 धक। और तू तू हमरे बच्चा गिरावे की बात करता रे यार। अरे आइडिया तो तहारे ना रहे। खैर कौनो बात ना, अब ई बतावा कि आगे का करे के बा। पता ना यार। तो सबसे पहले अपन बच्चा के अपन मेहरारू से बचावा। मतलब? मतलब ई कि जब अंजलि भाभी एंजल बन जई हैं, तो दारू भी पी हैं, सिगरेटो पी हैं, डिस्को में भी जई हैं, तब तहार बच्चा खातिर ये अंजलि भाभी के दारू सिगरेट डिस्को बहुत खतरनाक बा। कुछ करे के पड़ी यार। एंजल, कुछ बात करे के रहे तुझसे। कहे सुने के टाइम बीत गए नीरू। प्लीज एक बार हमार बात सुन ला, फिर तू कबो तो हम तो से कबो बात ना करो। ओ रात खातिर हमके माफ कर दो। हमारी राधा तो के चोट पहुंचावे कि ना रहे। ई सब बात के का फायदा? सुना, तू जा यहां से, हमके लेट होता, हमके पार्टी में जाए के हो। प्लीज मान जा। हां, जाइबा कि ना यहां से? प्लीज एंजल, जस्ट गो। ना मनबू। ना ये क्या करता नहीं? ये सब कहा? अरे अरे खिड़की का बंद कर दी। खिड़की पूरी दमाजी, 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 दमाजी। अरे अरे दमाजी, बात तो सुने। अरे बेटा जी, अंजलि के बंद कहे कहीं नहीं हाँ। अरे अंजलि के ना, एंजल के बेहोश कहीं। अरे क्यों के भी, लेकिन बेहोश कहे कहीं नहीं हाँ। मजबूरी बा।
एकरा अलावा कोनो रास्ता नहीं के बच्चा के बचावे के। बेटा जी, ऐसे कितना दिन तक चली? जब तक कोनो उपाय ना निकल जाए, बस आप इतना ध्यान रखी, जब तक एंजल अंजलि ना बन जाए, आप दरवाजा मत खोलो। उठले के बाद अगर वो हमसे पूछी कि हमरा के दरवाजा में कहे बंद केले रहलो, तो हम का जवाब दे? कोनो बहाना बना दिया, वैसे उनके कुछ याद ना रहला। ठीक है बेटा जी, कोनो उपाय जल्दी से लगाई, कुछ करी, कुछ करी। हम कुछ उपाय सोचते नहीं। यार अब अगर हम एंजल के सामने पड़म ना, तो वो हमके जान से मार दी। लेकिन उनकरा के बेहोश करे के का जरूरत रहे? अरे यार तू ही काले रहले, एंजल जब पब जाई, दारू पी, सिगरेट पी, अब उनके रोके के कोनो आइडिया हमरा समझ में ना आई। अब जो नाइल तो उन कर देना। वो सब तो ठीक बा, लेकिन अब आगे का कह जा? अंजलि भाभी पे नजर के रखी। हम तो नहीं रख सकते, काहे कि वो हमके जहां पाई वहीं जान से मार दी। तो एक काम कर, एंजल के मार दा, न एंजल रही न टेंशन रही। सही कहता रे तू, का एंजल के मार देता नहीं? एंजल के मार देता नहीं? अरे अरे एंजल मर जाए तो अंजलि भाभी भी मर जाई है, भुला गईला कि दोनों एक ही बा? ना, अंजलि और एंजल एक नहीं के। अंजलि सच बा और एंजल झूठ, एंजल के झूठा मर्डर करेके, नकली मर्डर। का नकली मर्डर? हाँ नकली मर्डर। पता ना, पर एंजल अंजलि का दिमाग का उपजा। अगर अंजलि का दिमाग में एंजल मर जाती है, तब काम आ सकेला तुम्हारा आइडिया। लेकिन तू करवा कैसे? हमार भाड़ा के गुंडा लोग उनके किडनैप करिए और उनका के एक सुनसान जगह पे लेके जाए, वहां उनके नकली गोली मारल जाए। गन के गोली में नशा हो और एंजल बेहोश हो जाए। अरे इतना ड्रामा करे के का जरूरत बा? साफ साफ अंजलि भाभी के बता दिया जाओ कि एंजल मर गई भी है। अरे एंजल अंजलि के दिमाग इस्तेमाल करे ले, तो कहीं ना कहीं अंजलि के दिमाग में छप जाए के चाहिए कि एंजल मर गई, एक हथेली ड्रामा करे जरूरी बा। बिल्कुल सही, यही ठीक रही। हेलो 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 बेटा जी, बेटा जी एंजल, नहीं नहीं अंजलि अंजलि। अरे का बोला तानी, साफ साफ बोली। एक मिनट एक मिनट बेटा जी, एंजल अंजलि बन गए ले, हम जीवे दरवाजा खुली कुछ गुंडा लो गई ना, उठा के ले गई ना। का बच्चे के बहुत कोशिश के लो से बेटा, बाकी जबरदस्ती उठा के ले गई ना, उकरा के बचा लो बेटा। तू चिंता मत कर, हम अभी पुलिस स्टेशन जाता नहीं। अरे मेरे भाई जल्दी से ठीक कर रे। ए देवा, कहाँ फंस गया मैं? अरे मैं भी बीमार, गाड़ी भी बीमार, हालत खराब हो गई रे देवा, गाड़ी की भी और मेरी भी, मैं क्या करूँ देवा? ऐसी जगह पे मेरी ड्यूटी रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। डॉक्टर बच्चन साहब, डॉक्टर बच्चन? अरे अच्छा हुआ आप आ गए, देखो ना हम तो बीमार है, अब साथ में गाड़ी भी बीमार हो गई। खैर गाड़ी का छोड़िए, हमें ठीक करिए। अरे सर मेरी वाइफ किडनैप हो गई है सर। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, भाभी जी तो कुछ देर पहले टैक्सी में कुछ लोगों के साथ यहाँ से गई, और हमने भाभी जी का चेहरा देखकर गाड़ी चेक भी नहीं किया और यहाँ से जाने दिया। अरे सर वही लोग तो किडनैप किए। क्या वो लोग किडनैपर थे? ओ अगर वो लोग किडनैपर है तो मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, मुझे पता है वो लोग भाभी जी को कहाँ लेके गए होंगे। आ,
हमरा के यहाँ कहे ले आयल बाड़ा? बदला लेवे खातिर। कैसन बदला? तोर मरद हमरा मेहरारू के सामने हमरा सच के नंगा कैले रहल, एही नाते यहाँ जहाँ तोनी के बियाह भेल रहे, आज दुनिया के सामने तोर सच्चाई नंगा करे खातिर ले आयल बानी। कैसन सच्चाई? ये कि सुपरस्टार निरहुआ के मेहरारू एगो पागल हिया जब चाहेली अपन रूप बदल लेवेली। पागल तो हमरा कितने लागत बाड़ी। बस थोड़ी देर में सब पता चल जाई कि पागल के हिया। बस खाली हमरा एंजल के आवे के इंतजार बा। के एंजल? अब पूरी दुनिया के साथ साथ तोरा भी पता चल जाएगी तोर सच्चाई का बा। मास्टर! वाह वाह रे हमार पगली स्टूडेंट, वाह तू तो निहायती अब जवान और खूबसूरत लगता रू हो। एक बात कहीं कमाल के लगता रू, अब तो तू कली से फूल खिल गिल बड़ हो फूल। बहुत मजा आई। शुक्रिया बॉबी भाई, शुक्रिया। शुक्रिया बॉबी के ना, शुक्रिया देवे के बात हमरे लेकिन के दी जवन निरहुआ के कमजोरी ढूंढत ढूंढत तारा लगे पहुंच गए लन। शुक्रिया भाई लोग, शुक्रिया शुक्रिया। ए मास्टर जी, थैंक यू से काम ना चली। अच्छा फिर हमरो खातिर कुछ करा? काम चल जाए क्या एकरा से? चली ना दौड़ी एकरा पीछे तो हम बहुत दिन से पड़ल बानी। ठीक बा, पहले हमके एकरा से निपट लेवे था, फिर तू लगन भी। ठीक बा। मास्टर मने बहुत कमीना हवा। साक्षात देवी जी के मंदिर में एगो देवी समान लड़की के वस्त्र हरण, बॉबी इतना भी बड़ा कमीना नहीं है। तो ठीक बा, मंदिर से हम बाहर जाता नहीं। ले जाए, चल चल बाहर, चल 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 बाहर। जाए दी मास्टर। कोशिश भी मत करी हा, हमार बिटिया झूठ ना बोल सकत। मास्टर ते फिर आ गई ले। एक्सलेंट, कैमरा को कैमरा कर, वीडियो बना। Yes, yes,
फोन हम कहते अरे क्या पकड़ लो चाप के हम का मुहाली भाई बड़े काम का चीज मिलल बा आओ बेटा पूरी दुनिया के दिखाई तो सच्चाई नंगा करके छोड़ो दुनिया फिल्म तो देखी लेकिन तोरा और तोरा गुंडन के पिटाई के दुल्हन रहे बीमार अरे दुल्हन रहे बीमार निरहुआ 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 सटल रहे मंगल चाहे सोमार जाके डटल रहे अर दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे बाकी एक बात याद रखिया हम और हमारी गुंडा पार्टी तोहरा लड़की से सटे ना दे शायद तोरा के पता नहीं के कि निरहुआ खाली सटल ना डटल भी रहेला डॉक्टर साहब ज्यादा जोश में मत आइए ये लोग बहुत ज्यादा है और हम लोग बहुत ज्यादा कम है मेरी फोर्स का इंतजार कीजिए बस आती होगी दुबली जी ना ही ये डॉक्टर साहब हैं और ना ही आप बीमार हैं ओके ये डॉक्टर साहब नहीं है फिर कौन है अरे ये भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी हैं निरहुआ हाँ नीरू अपना आपके निरहुआ समझा और मारा एक निके कैमरा मैन हरीश के साथ ओके निरहुआ अरे भाभी जी संभल के भाभी जी यहाँ छुप जाइए आइए क्या बात है Oh!
आज दुनिया के सामने तो सच्चाई नंगा करे खातिर ले अलबानी। कैसन सच्चाई? ये कि सुपरस्टार निरहुआ के मेहरारू एगो पागल हिया बस खाली हमरा एंजल के आवे के इंतजार बा। के एंजल? डॉक्टर साहब, अंजलि के आधा सच पता चल चुकल बा। अच्छा ये हुई कि इनके पूरा सच पता था, ना तो बहुत बड़ मुसीबत आ सकेला। हम बताएं डॉक्टर साहब, हम बताएं, चाहे जौन भी हुई कैसे? उतारा के कुछ गुंडा लोग किडनैप कर ले रहे, तोरा के बचाव में चोट लग गई। हम माई? हाँ, बच्चा एकदम ठीक बा। और मास्टर? वो तो मर गई। बहुत अच्छा भाई। कैसे हो बिटिया? बस माई तनी सा दर्द बा। थोड़ा सा दर्द और बर्दाश्त करे के पड़ी। का है? तोरा के एंजल के बारे में कुछ बतावे के बा बेटा। के एंजल? एंजल वो मास्टर और बॉबी की चाल रहे। उकनी के पता रहे कि मास्टर के देख के हम गुस्सा में आ जानी, और यह बात के फायदा उठा के वो लोग हमरा के पागल साबित करे के चाहत रहे। इनका से बदला लेल चाहत रहे, और रउआ लोग भी उकनी के बात में आ गई नहीं। इका अंजलि वो हमने के लगल कि शायद तू उकनी के बात में आ गेलो। हाँ, हम कहाँ आई बुकनी के बात में। चली, मरीज के आराम के सख्त जरूरत बा। अंजलि तू आराम करा, आप लोग बाहर चल। प्लीज आराम कर बेटा। डॉक्टर साहब, आज तो हमने के सच छुपा लेने जा, लेकिन एक न एक दिन तो अंजलि की सच्चाई बतावे के पड़ी ना। एक जरूरत कब होना पड़ी? कहें? कहें कि एंजल और अंजलि दोनों के नजर में मास्टर मर चुकल बा, और जब मास्टर ही दुनिया में नहीं खे तो एंजल आके का करी? सुने खातिर हमार कान तरस गई रहे कि अब एंजल दोबारा ना आई, और ये खुशखबरी सुन के हम भागते अंजलि के पास गई और अपना अंजलि के गले लगा लेनी। लेकिन बेचारी अंजलि के ए बात के पता भी ना रहे कि हम इतना खुश काहे बानी।
एंजल दोबारा वापस ना आईली और हम चैन की नींद सोते लगनी। लेकिन शायद चैन की नींद सुतल अभी भी हमरे नसीब में ना रहे, कहें कि हमारा घर में एक नन्ही परी आ गई बिया, जोना के नाम हम एंजल रख ले हैं। और हमार डबल ड्यूटी फिर शुरू हो गई, अपना बीवी अंजलि के और हमार नन्ही परी एंजल के। एक बार फिर से दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे।